नमस्कार दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन की खुशखबरी को आए ज्यादा समय नहीं गुजरा था कि अब एक ऐसी शॉकिंग खबर आई है जिसने दुनिया भर की सरकारों को फिर से हिलाकर रख दिया है। यूके में एक नया स्ट्रेन पाया गया है इस कोरोना वायरस का। वायरस में म्यूटेशन हो गई है और ये नई म्यूटेशन बताई जा रही है 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसी के चलते दुनिया भर की कई सरकारों ने फ्लाइट बैन्स लगा दिए हैं। फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इंक्लूडिंग इंडिया ने भी फ्लाइट बैन लगा दिया है यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये कितना और ज्यादा खतरनाक है इस पुराने वाले कोविड-19 के वायरस से। क्या वैक्सीन इस नई म्यूटेशन पर इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। ये सिर्फ पिछले हफ्ते की ही खबर है दोस्तों कि यूके में अनाउंस किया गया इन्होंने एक नया स्ट्रेन डिस्कवर किया है SARS-CoV-2 वायरस का। जैसा कि आप जानते हैं जो वायरस है उसे SARS-CoV-2 कहते हैं और जो डिजीज इस वायरस से होता है उसे कोविड-19 कहते हैं। लंदन में पिछले एक हफ्ते में जो डेली नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और ये पाया गया है कि जो नए केसेज हैं उनमें से 60% केसेज इस वायरस के नए स्ट्रेन से आ रहे हैं। इस नए स्ट्रेन को नाम दिया गया है VUI-2020-12/01। ये नाम जो है ये डेट से ही आता है। और ये नया स्ट्रेन आया कहां से? सिंपली म्यूटेशन से। तो आप एक बार म्यूटेशन समझ लोगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है, तो बड़ी आसानी से आपको ये पूरा मसला समझ में आ जाएगा कि क्या है। म्यूटेशन शब्द सुनकर शायद पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो है एक्समैन की फिल्में, क्योंकि इनमें म्यूटेंट्स को दिखाया गया है। फिल्मों में हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है म्यूटेशन को, लेकिन रियलिटी में दोस्तों म्यूटेशन एक ऐसी चीज है जो हर समय होती रहती है धरती पे रहने वाले हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में और वायरसेस में भी। इनफैक्ट म्यूटेशन एक ऐसी एसेंशियल चीज है, अगर ये नहीं होगी तो एवोल्यूशन नहीं हो सकता इसके बिना। हम लोग आज यहां धरती पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे इसके बिना। तो क्या मतलब है इसका? सिंपली कहें दोस्तों तो म्यूटेशन होता है एक मिस्टेक जो जीन्स में आती है जीन्स को कॉपी करते वक्त। बेसिकली डीएनए का जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में चेंज आता है तो इसे म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन कई रीजंस की वजह से हो सकती है, लेकिन मेनली दो रीजंस है। पहला रीजन है इन्वायरमेंटल रीजंस, आपकी आसपास की इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आता है, जैसे कि न्यूक्लियर रेडिएशन आपके सेल्स में म्यूटेशन कॉज कर सकती है, या फिर सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस आपके सेल्स में म्यूटेशन कर सकती है और ये अच्छी चीज नहीं है। इस म्यूटेशन की वजह से आपको इवेंचुअली कैंसर हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी अल्ट्रावायलेट इंडेक्स हाई होता है सन का तब सनस्क्रीन के बिना बाहर मत निकला करो। लेकिन दूसरा रीजन है म्यूटेशन के पीछे रिप्रोडक्शन। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो म्यूटेशन होती है। डीएनए को कॉपी करते वक्त कुछ ना कुछ गलतियां हमेशा होती हैं और कई बार ये गलतियां अच्छी चीज होती हैं। एक चिड़िया का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहां पर एक ग्रुप है एक स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ बर्ड्स का, चिड़ियों का, और इन सारी चिड़ियों की चोंच छोटी होती है, लेकिन अचानक से इनमें एक म्यूटेशन होती है और इस ग्रुप में से एक ऐसी चिड़िया पैदा होती है जिसकी चोंच ज्यादा लंबी है। और लंबी चोंच होना इस चिड़िया को एक एडवांटेज देता है क्योंकि ये मिट्टी में ज्यादा खोद सकती है और कीड़े मकोड़ों को और ज्यादा अंदर जाकर आसानी से निकालकर खा सकती है। और इस एडवांटेज की वजह से जब ये चिड़िया और बच्चे पैदा करती है जिनमें सेम म्यूटेशन निकलती है तो इनको ओवरऑल एक एडवांटेज हो जाता है बाकी ग्रुप ऑफ चिड़ियों के कंपैरिजन में जिनकी चोंच छोटी है। तो ओवर जनरेशंस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आने वाली पीढ़ियों में हमेशा लंबी चोंच मिलती है इन चिड़ियों में, क्योंकि यहां पर इन्हें एक एडवांटेज मिला। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कैसे म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन में मदद कर सकती है, एवोल्यूशन के दौरान मदद कर सकती है। दुनिया भर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब की एवोल्यूशन के पीछे कोई ना कोई म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन होता क्या है, इन मेजोरिटी ऑफ केसेस म्यूटेशन हेल्पफुल नहीं होती, बेनिफिशियल नहीं होती। ज्यादातर टाइम ये एक डिसएडवांटेज होता है या फिर ये यूजलेस होती है। जैसे कि कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके 3 हाथ हो या 6 उंगलियां हो हाथों पे। अब इससे कोई ज्यादा बेनिफिट तो निकल नहीं रहा है, लेकिन है म्यूटेशन ये एक। तो अब कोविड-19 पर वापस आते हैं दोस्तों, वायरसेस में भी यही कहानी है। कुछ वायरसेस में डीएनए की जगह आरएनए होता है। SARS-CoV-2 वायरस में भी एक आरएनए है। आरएनए सिंगल स्टैंड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो रिप्रोडक्शन करते वक्त आरएनए में गलती होने की ज्यादा गुंजाइश है, तो इसलिए आरएनए के जो वायरसेस होते हैं उनमें म्यूटेशंस ज्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन म्यूटेशंस होना वैसे भी बड़ी आम चीज है दोस्तों। यूके के जेनेटिक स्पेशलिस्ट ने बताया है कि SARS-CoV-2 वायरस में ग्लोबली हर महीने 1 या 2 म्यूटेशंस होती हैं। तो आप सोच सकते हो ये रेट है जिस रेट से म्यूटेशंस होने लग रही हैं SARS-CoV-2 वायरस में। और इनमें से ज्यादातर म्यूटेशंस जैसा मैंने कहा यूजलेस होती हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूके में जो म्यूटेशन हुई इसमें अनयूजुअली कुछ लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस देखने को मिले। इनमें से एक बड़ा चेंज बताया जा रहा है कि वायरस पे जो स्पाइक्स लगे हुए हैं, आप फोटो में देखेंगे जो स्पाइक्स दिखते हैं, इन स्पाइक्स प्रोटीन में चेंज आया है। और ये स्पाइक्स बेसिकली बताते हैं कि किस कैसे इन्फेक्ट कर रहा है ये ह्यूमन सेल को।
कहा जा रहा है कि इन स्पाइक्स में ऐसे चेंजेस आए हैं कि ये वायरस अब ज्यादा आसानी से बाइंड कर सकता है ह्यूमन सेल्स पर, जो कि इसे ज्यादा इन्फेक्शियस बनाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये वाला स्ट्रेन 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है एज कंपेयर टू जो पुराना वायरस का स्ट्रेन था, और आज के दिन यूके में जो मेजोरिटी केसेस देखने को मिल रहे हैं वो इस नए स्ट्रेन की वजह से ही है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो नया स्ट्रेन है क्या ये ज्यादा डेडली है, इससे ज्यादा लोग मरेंगे? यहां पर दोस्तों इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो प्रूफ करता हो कि ये ज्यादा डेडली है पुराने स्ट्रेन के कंपैरिजन में। इनका ये भी कहना है कि अभी और रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी एक्चुअली में ये चीज फुली प्रूफ करने के लिए, लेकिन इतिहास हमें अच्छी खबर ही सुनाता है इसके रिगार्डिंग। पास्ट में जब भी वायरसेस ने अपने आप को म्यूटेट किया है, उन्होंने म्यूटेट करके अपने आप को ज्यादा इन्फेक्शियस तो बना लिया लेकिन वो कम डेडली हो गए। अगर आपको याद हो मैंने इन्फेक्शियस और डेडली का ग्राफ बताया था, अक्सर यही होता है कि जो वायरसेस ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं वो कम डेडली होते हैं और जो कम इन्फेक्शियस होते हैं वो ज्यादा डेडली होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या वैक्सीन काम करेंगी इस नए स्ट्रेन पर, और यहां पर भी अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देर इज नो एविडेंस सजेस्टिंग वैक्सीन विल बी एनी लेस इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यू वेरियंट। फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर और जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर, इन दोनों का भी यही कहना है कि अभी तक जो भी हमें पता है इस नए स्ट्रेन के बारे में, जितनी भी वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं ये उतनी ही इफेक्टिव होंगी इस नए स्ट्रेन के खिलाफ जितनी इफेक्टिव ये पुराने स्ट्रेन के खिलाफ है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट यहां पर कंसर्न जरूर हैं, जैसे कि प्रोफेसर रवि गुप्ता यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, जिनका कहना है कि अभी तो म्यूटेशन में कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे प्रॉब्लम्स हों, लेकिन टाइम के साथ साथ ऐसी म्यूटेशन जरूर आ सकती हैं जिस पर वैक्सीन इनइफेक्टिव हो। ऐसे सिनेरियो के लिए एक शब्द है वैक्सीन एस्केप, यानी वायरस में इतनी म्यूटेशंस हो गई कि अब वैक्सीन उस पर काम नहीं कर पा रही उस वायरस पर, इसे वैक्सीन एस्केप कहते हैं। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से दोस्तों और ज्यादा ना पता होने के कारण दुनिया भर की कई सरकारों ने कुछ सरप्राइजिंगली सख्त कदम उठाए हैं, जैसे कि यूके में एक इमरजेंसी लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया। कई कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, कनाडा, नेदरलैंड्स, जर्मनी, इंडिया, इन सब ने फ्लाइट बैन लगाया है यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर, और इनफैक्ट जर्मनी ने यह भी कहा है कि शायद वो साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर भी फ्लाइट बैन लगा दे क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक और म्यूटेशन पाई गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है कि वो यूके से आने वाले डेटा को एनालाइज करते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे कि इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल यहां पर डेफिनेटली खड़े होते हैं दुनिया भर की सरकारों पर कि कब तक ऐसे इमरजेंसी और सरप्राइजिंग मेजर्स, लॉकडाउन्स, फ्लाइट बैन्स करे जाएंगे। म्यूटेशंस होनी बड़ी आम बात है, वायरसेस हिस्टोरिकली भी होते रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कॉन्स्टेंटली हर कुछ महीने बाद ऐसे फ्लाइट बैन्स, लॉकडाउन्स लगा दिए जाएं जिससे कि एक कंट्री की फंक्शनिंग पूरी तरह से रुक जाए, इकोनॉमी चलनी बंद हो जाए। आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।